अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस एक स्किन डिसीज़ है जिसमें पिंपल्स आने लगते हैं और आमतौर पर ये अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन पर इसका असर देखने को मिलता है। तो एक्नी वल्गैरिस में हम ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले रेटिनो ए क्रीम हम ऐड करेंगे। रेटिनो ए क्रीम में सॉल्ट ट्रिएटिनोइन जो है नहीं क्या हमको देखने को मिलेगा, ये हम लोकल एप्लीकेशन में रात में हम इसको अप्लाई करेंगे और अल्टरनेट डे 6 वीक तक हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। मतलब रेटिनो ए क्रीम 6 वीक तक इसको ट्रीट करना है और ये अल्टरनेट डे हम रोज़ रात में इसको अप्लाई करने के लिए एडवाइस करेंगे। इसके बाद परसोल जेल हम प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर ऑयली स्किन। देखिए ऑयली स्किन के लिए हम जेल प्रिस्क्राइब करेंगे और ड्राई स्किन के लिए हम क्रीम को जो है कि प्रिस्क्राइब करेंगे। तो परसोल जेल ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें परसोल जेल में हमको बेंजोइल परोक्साइड इसमें देखने को मिलेगा। बेंजोइल परोक्साइड हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि भाई ये बेंजोइल परोक्साइड ये वर्क करता है एज अ बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक्स, ये दोनों भी इसमें बेंजोइल परोक्साइड में वर्क देखने को मिलता है। तो परसोल जेल में बेंजोइल परोक्साइड इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, अप्लाई एंड वॉश आफ्टर 15 मिनट। मतलब 15 मिनट में लगाइए, 15 मिनट तक उसके वैसे ही रहने दीजिए और उसके बाद आप उसको वॉश कर दीजिए, आप अपना फेस वॉश करिए। इस तरीके से हम उसको देंगे। अब देखिए एक बात जहन में रखिए कि जो एक्नी आती है तो एक्नी आने पर होता यह है कि स्किन पर हमको प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस नाम का एक बैक्टीरिया है जो स्किन पर ग्रो करता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस ये बैक्टीरिया स्किन पर ग्रो करता है जिसकी वजह से एक्नेस कभी कभी इसके वजह से फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए हम बैक्टीरिया है इसलिए बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक को ऐड करेंगे और एंटीबायोटिक डॉक्सी 100 mg 2 मंथ तक रहेंगे। अब डॉक्सी में क्या रहेगा, डॉक्सी में डॉक्सीसाइक्लिन हम 2 मंथ तक देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कम से कम 2 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ना उसको 6 मंथ तक उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। 2-2 मंथ में हम उसको पेशेंट को हम देखने के लिए बुलाएंगे, 2-2 मंथ में हम उसका टेस्ट करेंगे कि भाई कितनी जो है कि अभी फ़िलहाल कितना उसका कंडीशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्नेस रहती है वो एक्नेस इतनी एक्यूट नहीं रहती इसलिए हम जो है कि डॉक्सी को जो है कि प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन कभी कभी एक्नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मतलब येलोइश कलर की वाइटिश कलर की हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा पक जाएंगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेन होने लगेगा। उस टाइम पर हम क्लिंडामाइसिन को एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन को भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन को भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या मतलब बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में जो है ना हम क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी नॉर्मली है तो उस वजह से उस टाइम पर तो हमको डॉक्सीसाइक्लिन को ही चलने देना पड़ेगा। अब एक बात तो कॉमन सेंस की ये है कि क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन इसको तो भाई हम दो मंथ तक हम इसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, 2 मंथ तक इसको जो है कि इससे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो इसको जो है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देंगे और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में ही दी जाती है। और डॉक्सी को जो है ना मतलब जो आमतौर पर जो एक्नेस देखने को मिलते हैं उस टाइम पर हम डॉक्सी को देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन को, और इसी तरीके से मतलब ज़्यादातर तो आपको यही ट्रीटमेंट हमको देखने को मिलेगा। अब आपको एडवाइस की अगर बात करते हैं तो एडवाइस के अंदर
याद रखिए कि जो एक्नीस रहेंगी, जो पिंपल्स रहेंगे, उसको पंक्चर होने से रोकना है, इसको अवॉइड पंक्चरिंग, मतलब किसी भी हालत में उसको पंचर ना। देखो होता ऐसा है कि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, उसको उसको हाथ लगाते हैं, उसको जो है फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, फर्स्ट बात, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि ऑयली ऑयली फूड और स्वीट फूड खाने से जो है क्या आप परहेज करें, आप उससे रोक बचे। थर्ड कि ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन है तो आप लोशन या क्रीम का इस्तेमाल करें, और ऑयली स्किन है तो आप जेल का यूज़ करें। तो ये सारी बातें रही हमारी एक्नी वल्गैरिस की। इसके बाद हम टीनियासिस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।